बात करने वाले एक बेहतरीन से प्लान के, और इस प्लान का जो फ्रंट एलिवेशन है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने हमारी पेड सर्विस को लिया और उनके अकॉर्डिंग इस मॉडल को डिजाइन किया गया। हालांकि उनको केवल फ्रंट एलिवेशन ही चाहिए था, तो उनके अकॉर्डिंग ही फ्रंट एलिवेशन डिजाइन किया है, बाद बाकी मैंने अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर दिया। तो फ्रंट एलिवेशन मेन होता है घर का, उनका घर शायद ऑलरेडी बन चुका है, सर फ्रंट तो उन्हें डिजाइन कर, और फ्रंट का ही मॉडल आज हम पूरा डिफाइन करेंगे, साथ साथ उनके अकॉर्डिंग जो उनका प्ला उन्होंने नक्शा दिया था अपने घर का, तो वैसा भी मैंने बिल्कुल सेम टू सेम बेडरूम लेट बाद जहाँ पर उन्होंने कट किए तो वहीं पर कट कर दिए हैं, लेकिन फ्रंट ज्यादा अंदर का मैंने डिजाइन नहीं किया है। तो फ्रंट एलिवेशन जो आज का मॉडल 30x44 का होने वाला है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अगर आप भी इसे प्लान कर रहे हैं, ऐसे घर को बनवाना चाहते हैं, तो इस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं ऑलरेडी एक पेड सर्विस चलाता हूँ जिसके तहत आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप हमें वहां पर कांटेक्ट करें, मैं आपसे बात करके आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ। वो हमारी पेड सर्विस होती है, 50% एडवांस 50% बाद में देना होता है। तो आज का जो मॉडल उसे डिस्कस करते हैं, उससे पहले अगर आपने अभी तक इस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलो पूरे मॉडल को डिस्कस करने के लिए मैं आपको ले चलूंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये देखिए प्लान पूरा ओवरऑल होने वाला है जो आज मैम डिस्कस करेंगे। फ्रंट इसका सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही क्रिएट किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि मैंने साइड में विंडो वगैरह दे रखी है, जहां पर अगर विंडो की रिक्वायरमेंट है, अगर आपका रिक्वायर वहां पर विंडो लग सकता तो लगाए, नहीं तो आप इन्हें क्लोज कर सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ वेंटिलेशन विंडो, तीन इनका कल फ्रंट एलिवेशन ही मुझे डिजाइन करना था, तो ये पूरा मॉडल इनका बनकर रेडी हो जाता है। इसकी बात करें देखिए दोनों तरफ बेडरूम है, इसीलिए यहाँ पर दोनों तरफ विंडो दिया है। विंडो पर मैंने यहाँ पर देखिएगा डिजाइन के तौर पर ये आपका जो पीओपी का डिजाइन बनता है ये क्रिएट किया, यहाँ पर रूफ टाइप का क्रिएट किया है जो कि 4 स्टेप्स में क्रिएट किया गया है ना। विंडो है, विंडो के चारों तरफ फ्रेम यहाँ पर लगा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर ग्रिल की, ये देखिए ग्रिल बहुत ही बेहतरीन से ग्रिल बनाई गई है, बीच में आप नाम वगैरह लिखवा सकते हैं। टॉप व्यू की बात करें तो ये आपका गुमटी है, मतलब कि स्टेयर्स को ढकने के लिए, तो आप इसे भी बनवा सकते हैं। बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है जो आप बना हुआ है, पूरा ग्राउंड फ्लोर देखिएगा। इंट्रेंस इनका यहाँ से दोनों तरफ स्लो बेस में स्टोर, ये दो पिलर है उसी के बीच में, ये देखिएगा आपको डिजाइन देखने को मिलना। मैं टॉप व्यू दिखाता हूँ, ये आपका एक बारंदा टा समझ लीजिए, छोटा सा है, और लेफ्ट राइट दोनों साइड बेडरूम है। ये मेन डोर है जहां से आप एंट्री करेंगे, जैसा आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले दोनों बेडरूम्स के लिए अलग अलग डोर देखिए, इसके लिए ये डोर है और इसके लिए डोर है, दोनों तरफ विंडो भी मैंने दे रखा है इसका। जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना तो इस कॉर्नर पर फिर से आपको दो बेडरूम मिल जाते हैं, ये लेट बाथ इनका बना हुआ है, ये आपका किचन बना हुआ है, इसलिए देखिए साइड में वेंटिलेशन दिया है, ये किचन, और ये चार बेडरूम की आपकी स्टेयर से इससे आप ऊपर जाएंगे टर्न होकर, मैंने यहाँ पर भी ये विंडो दे रखा है, तो चार बेडरूम के साथ ही बेहतरीन सा मॉडल बनकर रेडी हो जाता है। ज्यादा चीजें और क्रिएट नहीं की। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो ये दोस्तों आप ब्लैक कलर की लाइन टाइप की देख रहे हैं ना, तीन तीन, ये डिजाइनिंग के पर्पज चीजें क्रिएट की गई हैं। ये सारा आपका मिस्त्री बनाएगा, ये आप पीओपी का भी बनवा सकते हैं। ये दो पिलर है जो कि ब्लैक और व्हाइट कलर के हैं, और ये आप डिजाइन देख लीजिए कैसा है आपको बनवाना है, इन चीजों को समझ लीजिए, हालांकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए टॉप व्यू, ये जो आपको एक लाइन टाइप की दिख रही है ना, ये दोस्तों पीओपी की डिजाइन है जो कि बनाई गई है। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो ये देखिए फर्स्ट फ्लोर जैसे आप ऊपर जाएंगे 3.5 फुट का बाउंड्री वॉल, ये आपका गुमटी जो कि बनाई है, यहाँ पर ब्लैक कलर की है, बीच में व्हाइट, और उसके बाद दरवाजे से आप बाहर आएंगे। ये दोस्तों डिजाइन देखिएगा आपका, ये यू शेप में बना हुआ है दोनों तरफ, आप देख सकते हैं। ये नॉर्मल सी ग्रिल का इस्तेमाल किया है मैंने, कुछ और नहीं किया, ये बस कलर कॉम्बिनेशन। ये देखिए यहाँ पर पीओपी का डिजाइन, इधर पर पीओपी का डिजाइन, ये सारा पीओपी का डिजाइन वाला ही बनाएगा, या आप अपने मिस्त्री से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्लान था आज का 33x44 में। अगर आपको दोस्तों यहाँ पर ये प्लान भी बता रहा हूँ, 44 नहीं है 34 है, 33x34 में प्लान ये बना हुआ है। तो ये पूरा मॉडल अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे, मॉडल आपको कैसा लगा मैं जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं स्टार्टिंग में 33x44 बताया गया हूं, बट जबकि दोस्तों इस मॉडल का साइज है 33x34, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था, तो इसको आप करेक्शन करें। ये प्लान अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल नहीं किया है अभी तक तो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।